नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, वो वीडियो हम लेके आए हैं कि आप किस तरीके से अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सके, उसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक कर दिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में कि आप किस तरीके से अपने वोटर आईडी को एपिक वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे NBSP, इस पोर्टल को हम लॉगिन करेंगे। NBSP का मतलब है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, हम इसको लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं सामने एपिक डाउनलोड ऑप्शन दे रहा है। तो एपिक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको एक वोटर आईडी डाउनलोड करने की पूरी फुल प्रोसेस दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हम कैप्चा डाउनलोड कर कैप्चा डालेंगे, उसके बाद हम इसको लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं, हो सकता है हमसे कैप्चा कुछ गलत डल गया हो। सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो ये आप देख सकते हैं एपिक डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एपिक डाउनलोड करने के बाद हमको अपने वोटर आईडी का एपिक नंबर डाउनलोड करना है, एपिक नंबर यहाँ पर डालना है। तो हम अपना एपिक नंबर डाल देते हैं। ये हमने अपने एपिक नंबर डाल दिया, उसके बाद हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर देंगे और फिर हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। शायद हमने एपिक नंबर गलत डाल दिया, हम दोबारा डालते हैं। इसके बाद हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है सामने। इसके बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम कैप्चा पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम डाउनलोड एपिक पे क्लिक करेंगे। शायद हमने गलत डाल दिया, दोबारा डालते हैं। फिर हम डाउनलोड एपिक पर क्लिक करेंगे। शायद सर्वर इशू है, इसलिए हम दोबारा एक बार ट्राई करके आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हम आपको पूरी फुल प्रोसेस करके बताएंगे। फिर हम सेंड OTP क्लिक करेंगे, एक बार OTP और देखते हैं। फिर हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एक बार एक फिर कैप्चा डाल के देखते हैं। हम करेंगे डाउनलोड एपिक।
आप देख सकते हैं कि हमारा वोटर आईडी डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हमारा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इसको हम पीवीसी कार्ड में निकाल के और अपने कस्टमर को प्रिंट दे देंगे। तो इस तरीके से आप वोटर आईडी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप वोटर आईडी 2017 या 2016 की होना चाहिए, कभी की भी वोटर आईडी हो, आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन चालू कर दिया गया है NBSP पोर्टल द्वारा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब आप सभी इस तरीके से अपने कस्टमर की वोटर आईडी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर से। तब तक के लिए धन्यवाद।